नमस्ते दोस्तों, मेरा चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैं आज कुर्थी की दाल बनाने जा रही हूँ। उसके लिए मैंने कुर्थी लिया है। कुर्थी को मैंने भून के रखा है। कुर्थी को सिलबट्टे में हल्का हल्का पीस के रखा है। उसके बाद दाल निकाले हैं। मैंने 2 गिलास दाल लिया है। कुकर में पानी डाल दे रहे हैं। और दाल को अच्छी तरह से धो के डालेंगे। हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक देंगे। उसके बाद कुकर को बंद कर देंगे। कुकर में 4 सीटी लगाएंगे। देखिए कुकर में सीटी आ गया है। कुकर को खोल के देख रहे हैं दाल गला है कि नहीं। दाल अच्छी तरह से गल गया है। अब उसे दलघोटनी के सहायता से घोटेंगे। दाल को अच्छी तरह से मिलाएंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, उसमें सरसों का तेल डालेंगे और 1 ठो तेज़पत्ता और 2 ठो लाल मिर्चा। और थोड़ा सा जीरा देंगे। जीरा चटकने के बाद उसमें लहसुन डालेंगे। लहसुन को मैंने छेच के रखा है। 1 ठो लहसुन दिया है। लहसुन को डाल देते हैं। गोल्डन फ्राई होने तक भुनेंगे लहसुन को। आपको रेसिपी अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। लहसुन गोल्डन फ्राई हो गया है। मैंने 2 ठो टमाटर काट के रखा है। टमाटर को डाल देंगे। 2 ठो टमाटर काटा है मैंने। टमाटर को अच्छी तरह से भुनेंगे। देखिए टमाटर अच्छी तरह से गल गया है। अब उसमें दाल को ढार देंगे। धीरे धीरे करके ढारेंगे। ये दाल खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये सर्दियों के मौसम में मिलता है। देखिए दाल कितना अच्छा बना है। और दाल बन के रेडी है। देखिए कितना अच्छा दाल बना है।
आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना दाल कैसा बना है इसे।